नमस्ते, मेरा नाम नीरज है, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, प्रधानमंत्री फिर से बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, वैसी ही बड़ी हार मिली है कांग्रेस को। कांग्रेस की हार और बड़ी इसीलिए हो जाती है क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी खुद चुनाव हार गए हैं, लेकिन सिर्फ एक जगह से, यूपी के अमेठी से चुनाव हारे हैं। मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी ने उनको ये चुनाव हरा दिया है। तो इसीलिए अगर कोई बड़ा नेता जीते भी और हारे भी, तो उस केस में उनके हारने की ज़्यादा खबर बनती है, ज़्यादा बड़ी खबर ये होती है। अमेठी वैसे भी कांग्रेस का गढ़ रहा है, हमेशा से वो जीतती आई है, सिर्फ एक बार चुनाव हारे थे वहाँ से संजय गांधी। अब राहुल गांधी उस सीट से हार गए हैं, लेकिन एक सीट से जीते हैं, वो है केरल की वायनाड सीट। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस सीट से जीत गए हैं। उनको मिले कुल 7,06,367 वोट। फिर से बताऊं, 7,06,367 वोट मिले राहुल गांधी को। उनका जो करीबी, जिनसे उनका मुकाबला था, वो थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के नेता पीपी सुनीर को मिले 4,31,770 वोटों से, उनको हरा दिया। मतलब 4,31,770 वोटों से पीपी सुनीर को राहुल गांधी ने हरा दिया। राहुल को कुल वोटों का 64.67% मिला, मतलब कुल वोटों का लगभग 65% वोट राहुल गांधी ले गए। पीपी सुनीर को कुल कितने वोट मिले? पीपी सुनीर को कुल मिले 2,74,597 वोट। राहुल गांधी ने दो सीटों से चुनाव लड़ा था, पारंपरिक सीट अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया। 23 मई को जब नतीजे आ रहे थे तो राहुल वायनाड सीट से ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन बाद में इस इतिहास ने अपना रास्ता बदल लिया। वायनाड सीट में जश्न की कुछ तस्वीरें हैं जो एनआई ने ट्वीट की। विजुअल्स ऑफ सेलिब्रेशन फ्रॉम वायनाड, कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी इज लीडिंग बाय 8,38,371। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इस खबर के मुताबिक जो एनआई ने ट्वीट की, उस ट्वीट में लिखा है कि राहुल गांधी अभी 8,38,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। राहुल गांधी तो एक समय 8,38,371 वोटों की बढ़त ले चुके थे, कुल पड़े वोटों में से करीब 65% वोट पाते नजर आ रहे थे। राहुल गांधी केरल में अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे थे, साथ ही भारत के चुनाव इतिहास की सबसे बड़ी जीत भी उनके नाम रजिस्टर होने वाली थी, लेकिन चुनाव आयोग ने खेल कर दिया। कैसे? ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये स्क्रीनशॉट देख रहे जो हम सब पत्रकारों की नजर और बाकी सब लोगों की भी नजर, हमारे पास खबर कहां से आती है? चुनाव आयोग की वेबसाइट से। चुनाव आयोग ने डेडिकेटेड वेबसाइट बनाई बकायदा इलेक्शन रिजल्ट के लिए, जहां जब हम वहां देख रहे थे, हमने सिलेक्ट स्टेट में केरला चुना, सिलेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में वायनाड चुना, तो नतीजे आए उस वक्त क्या हो रहा। तो मोहम्मद पी के बहुजन समाज पार्टी के नेता को 5,359 वोट दिखा रहे थे, 0.26%। राहुल गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगभग 13,37,438 वोट दिखा रहे थे, यहां पर जो दिख रहा है, और फिर वही दिख रहा है टोटल वोट्स में, ये 64.6% है। लेकिन अचानक पता नहीं क्या खेल हुआ, इसके थोड़ा हम नीचे करें अगर, तो स्क्रीनशॉट में राहुल गांधी को फिर अब हम आ गए हैं थोड़ी देर बाद, जब हमने वहीं उसी वेबसाइट पर नीचे देखा तो राहुल गांधी के वोट अब जो 13 लाख दिखा रहे थे वो घटकर, उसी स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हैं, 6,80,884 वोट हो गए। वोट प्रतिशत वही है, लेकिन ये जैसे 64.64 यहां पर दिख रहा, पहले भी वही दिख रहा था, लेकिन वोट पहले से आधे हो गए। सवाल यह है कि यह कैसे हुआ, आखिर राहुल गांधी को मिले वोट शाम होते होते आधे कैसे हो गए? वोट घटाने का खेल किसने किया है? क्या ईसी की साइट हैक हुई थी या कोई टेक्निकल एरर था इस, या ईवीएम के बाद अब वेबसाइट में भी कुछ गड़बड़ी की बात सामने आने लगी है। लल्लन टॉप ने इलेक्शन कमीशन को टैग कर जवाब मांगा था, लेकिन आयोग की तरफ से खबर लिखे जाने, या खबर जिस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तब तक उसका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मोटा मोटी अनुमान ये लग रहा है कि उसमें कुछ डेटा फीडिंग में कुछ गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि अगर अदरवाइज हम उस केस में टोटल वोट्स को मिला करके देखें तो 13 लाख अगर वोट राहुल गांधी को ही पड़ रहे होते और बाकी सब कैंडिडेट को 4 लाख के आसपास, जो 2 से 3 लाख के बीच में जो
सीपीआई के कैंडिडेट को वोट मिले, तो वो वोट मिलाकर कुल पड़े वोट के आसपास या उससे ज्यादा वोट हो सकते हैं वो, तो इसीलिए लग ये रहा कि कोई टेक्निकल लोचा था। लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट, जिसको कि फुल प्रूफ होना चाहिए, उसमें कुछ इधर उधर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उस पर ये बात कैसे आ गई, इस बात का कोई जवाब आया नहीं। कुछ ही लोगों की नज़र में ये खबर आई, लेकिन इस खबर पर आयोग का क्या पक्ष है वो अभी तक हमको नहीं मिला है। तो मेरा नाम नीरज है, ये चुनाव के रिजल्ट नतीजों के बाद का विश्लेषण हमारा, खबरें हमारी, बहुत सारी चीज़ें आपको दी लल्लनटॉप के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आती रह रही हैं। आपको कैसी लग रही है प्लीज़ हमें बताएं। आपने हमारी चुनावी कवरेज को बहुत पसंद किया, इलेक्शन रिजल्ट के दौरान भी आप लगातार हमारे साथ बने रहें, इसका आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़रूरी, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, आजकल एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, मोबाइल पर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें सारी की सारी वीडियोज़ और खबरें एकदम तुरंत के तुरंत आपको मिल जाती हैं। तो मेरा नाम नीरज है, कैमरे के पीछे मेरे साथ में जेरी थे, शुक्रिया।